हेलो फ्रेंड्स, ये देखें एक वीडियो है, बना रहा हूँ मैं आपको पैनल बोर्ड पे। ये थ्री फेज का पैनल बोर्ड है, इसमें ये देखें MCCB लगा हुआ है और इसका रेंज देखें आप 175 मिनिमम है, 250 मैक्सिमम है। इधर हम ये सेट भी कर सकते हैं 250 मैक्सिमम और 175 मिनिमम, 200 पे भी कर सकते हैं, 225 पे भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट सर्किट करंट के लिए है, इस पर शॉर्ट सर्किट करंट कर सकते हैं। ये ट्रिप का है, इसको हम दबाएंगे तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। मान लो ये अभी ऑन है और मैं इसको दबा दूं, ये किसी चीज़ से अभी मैं दबा दूं इसको, देखें आप, आपको बताता हूं मैं अभी इसको मान लो दबाता हूं तो ये इंस्टेंट ट्रिप हो जाएगा। ये ट्रिप पोजीशन होती है ब्रेकर की, ऊपर की जो थी ऑन थी, ये फिर जब ऑन करना होता है तो इसको एक बार नीचे करके फिर ही ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑन नहीं करना चाहिए। तभी फ़िलहाल मैं इसको पोजीशन में ही रहने देता हूँ। अब इससे क्या है, इससे ही है सारा, ऊपर से पूरा कनेक्ट है पैनल। ये इसमें ये ब्रेकर लगे हुए हैं, सब 32 एम्पियर के हैं, सब 32 एम्पियर के, क्योंकि ये एसी का है एक पैनल, पूरा इसमें एसी कनेक्ट होगा, जो FCU यानी फैन कोइल यूनिट। और इसमें ये देखें सर्किट नंबर है, इस तरह काउंटर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही, ऐसे पूरा काउंट होता है ये। और ये देखें आप इधर, ये उसने सर्किट नंबर भी डाले हैं भाई ना, ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 इसी हिसाब से, इधर 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे ही ये सर्किट नंबर काउंट होते हैं। हालांकि इसमें स्टैंडर्ड कलर ऐसे आएगा, एक नंबर में रेड आएगा, दो नंबर में रेड आएगा, तीन नंबर में येलो, फिर चार नंबर में येलो, फिर पांच नंबर में ब्लू, फिर छह नंबर में ब्लू, इस हिसाब से कलर कोड आता है स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन हमारे ये हॉस्पिटल में कुछ ऐसा ही बनाया हुआ है शुरू से ही, तो हम लोग ऐसा ही करते हैं ताकि वो मेंटेनेंस के लिए आदमी बंधु को पता चले कि ये नॉर्मल पावर है, ब्लू कलर का है, इसका कोड हमने ब्लू दे दिया है, नॉर्मल पावर है, ब्लैक न्यूट्रल है इसका। तो हम लोग को जो होमरन रहता है, जो उसका मेन सप्लाई का वायर रहता है, जिधर भी रहता है, हम लोग को ज़्यादा मल्टीमीटर से भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको पता देखते ही पता चल जाता है कि ये नॉर्मल वायर है कि इमरजेंसी का वायर है, इसलिए ये हमारी, इसके लिए हम लोग करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये 32 MCA का इधर ऑन होएगा, इधर ऑफ होएगा और ये इस तरह है। और जब ये ट्रिप होएगा तो इसमें ये है, ये देखें आप, ये इसमें रेड हो जाता है जब ट्रिप कंडीशन में किसी प्रकार से प्रॉब्लम हुआ तो, यहाँ ट्रिप का सिग्नल में अभी तो वाइट है, ये रेड हो जाएगा, तुमको पता चलेगा कि हाँ यार कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ इधर, इसलिए ये ट्रिप हुआ है। कोई ऑफ करेगा तो इसमें रेड नहीं आएगा। ये स्नाइडर के हैं सब पूरा पैनल। और आप देखें इसमें ये केबल लगा हुआ है, ये केबल लगा हुआ है एक, ये लगभग 70 mm का स्क्वायर का है, 70 mm स्क्वायर केबल है। और अभी ये इधर पूरा हुआ नहीं है, ये इमरजेंसी का पैनल है, हमने इसमें रेड कलर का कोड दिया हुआ है ताकि पता चल जाए मेंटेनेंस के टाइम में आगे। फिर ये नॉर्मल का आ गया। तो ये लाइटिंग पैनल है, इसको कनेक्ट किया हुआ, इसमें आप देख सकते हैं सर्किट ब्रेकर 20 के 16 के ऐसे हैं, तो यहाँ पे लोड कम है इसलिए ये इसका भी लोड जो है वो 200 एम्पियर तक है, मैक्सिमम 200 एम्पियर है, मिनिमम 140 है, सेम वही कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं वही सर्किट नंबर है, सब वही है। ये अभी देख सकते हैं इसमें लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, तो लाइन 1 ऊपर का किधर है, 1 और 2, ये लाइन 1 है, रेड कलर आता है स्टैंडर्ड में, ये लाइन 2 येलो आता है, लाइन 2 मतलब 3 और 4 ये येलो आ गया, फिर 5 और 6 ब्लू आ गया, तो यहाँ तक 6 ब्रेकर हो गया हमारे सामने। तो इस तरह से सर्किट भी हो जाते हैं और ये लाइन 3 तक 6 सर्किट हो जाते हैं। जब हमको कनेक्ट करना होता है वायर तो एक इसमें कर दिया तो एक न्यूट्रल में कर दिया। तो अभी हमारा इस कंडीशन में क्या है, लाइन वोल्टेज 380 है और फेज वोल्टेज 220 है, तो इसलिए हम लोग एक न्यूट्रल डाल रहा है और एक फेज डाल रहा है। अगर हमारा इधर अभी लाइन वोल्टेज 220 होता तो हम लोग न्यूट्रल यूज़ नहीं कर पाते थे 220 के लिए। अगर न्यूट्रल यूज़ करेंगे तो फिर 110 पावर बन जाएगा हमारा, 125, 127 ऐसा पावर मिलेगा अगर न्यूट्रल और वो यूज़ करेंगे तो, अगर हमारा लाइन वोल्टेज 220 है तो। अगर तो लाइन वोल्टेज 220 है तो ये एक वायर और एक इसमें 110, एक न्यूट्रल और एक फेज में
अगर लाइन वोल्टेज 220 है तो 110 पावर बनेगा, और अगर हमारा लाइन वोल्टेज 380 है तो हमारा एक फेज और एक न्यूट्रल में हमारा 220 वोल्ट बनेगा। तो अगर हम लाइन वोल्टेज किसको बोलते हैं, इधर दो फेज के बीच अगर चेक करेंगे तो हमें 380 बताएगा, तो ये लाइन वोल्टेज हो गया। अगर तो हम एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच करेंगे तो इसमें अगर 220 हुआ तो फेज वोल्टेज 220 होगा, अगर 110 हुआ तो फेज वोल्टेज 110 होगा, और इधर अगर दो फेज में करेंगे लाइन वोल्टेज 220 हुआ तो लाइन वोल्टेज 220 होगा, अगर 380 हुआ तो लाइन वोल्टेज 380 होगा। इस प्रकार से ये पैनल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरा वीडियो। सो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया हुआ है तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपका डाउट रह गया है तो प्लीज़ हमसे मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, तो मैं आपका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सलाम अलैकुम।